नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर और मैं हूं आपके साथ मनोज शर्मा। इस वक्त आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में शराब के नशे में झूमते हुए कोई आम लोग नहीं, बल्कि ये प्रशासन के वो नुमाइंदे हैं जो एक उच्च पद पर आसीन हैं। हाथों में शराब की बोतलें, बैकग्राउंड म्यूजिक पर झूमते हुए बागपत छपरौली के एडीओ और दो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं जो हाथ में शराब की बोतलों को लहराते हुए आधे कपड़ों में डांस करते हुए तस्वीरों में कैद हो गए हैं। बता दें कि ये तीनों अधिकारी एक कमरे में शराब की पार्टी कर रहे थे और तभी इस पार्टी में मौजूद किसी युवक ने इन अधिकारियों का वीडियो बना लिया, उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। लेकिन वही जब लाइव खबर ने इस वीडियो पर जांच की तो पाया कि ये पार्टी किसी सरकारी दफ्तर में नहीं बल्कि कमरे में की जा रही थी, जो कि निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है। वहीं इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एडीओ छपरौली जी। क्या कुछ कहना है आपका इस मामले में? ये पत्रकार महोदय, 17 जून को हमारे बेटे का जन्मदिन था जी। अच्छा, उस टाइम पर जो है घर पर जाकर ना खाना पीना चल रहा था, रिश्तेदार भी थे और जो जो वीडियो वायरल करने वाले थे, ये वीडियो है श्री सोनू तोमर, गौरव राणा, प्रेम कुमार, ये भी आए हुए थे यहाँ पर। आज एक अजय भी था जी, अजय कुमार, सभी साथी को बुला रखा था मैंने इसमें फंक्शन पर। तो इन्होंने जा कहना चाहेगा खाना पिया क्या उस टाइम पर ही इन्होंने जाया कहना मेरी वीडियो बना ली यहाँ पर जी। घर के अंदर की बात है ये, घर के अंदर की बात है। घर बनाने के बाद में इन्होंने फिर जाया कहना इन्होंने इसको ब्लैकमेल किया। जब मैंने इनको काम किया, सरकारी कार्य करने के लिए कहा, प्रेरित किया, तो इन्होंने उसको ब्लैकमेल कर लिया मुझको। तो आपका साफ तौर पे ये कहना है कि जो ग्राम विकास जो अधिकारी होते हैं, जिसको वीडियो बोला जाता है जी, उन लोगों ने आपके ऊपर ये प्रेशर बनाया कि आप उनको सरकारी काम ज्यादा ना दें, और अगर आप काम देते हैं या उनको कहते हैं ये काम करो, तो उन लोगों ने ये आपके ऊपर प्रेशर बना के ब्लैकमेलिंग करी जी। यही पत्रकार महोदय मेरा कहना है आपसे। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक किसी एक चैनल पे ये चल रहा था कि ये जो प्रकरण पूरा चल रहा है ये ब्लॉक के किसी कमरे में चल रहा है। नहीं जी, क्या ब्लॉक में आपके ये टीवी है? किसी ब्लॉक में, किसी कमरे में टीवी लगा हुआ है? नहीं जी, हमारे यहाँ पत्रकार महोदय कोई टीवी हमारे ब्लॉक कार्यालय पर नहीं है। जो ये जिस ब्लॉक में आप कार्यरत हैं, छपरौली ब्लॉक जैसे आप बता रहे हैं, इसमें जो अंदर का जो कमरों का जो कलर है वो किस रंग का कलर है? ये तो वहाँ पर जाकर आएगा, जो हमारा निजी कमरा है, मेरा ऑफिस हैगा जी, उसको जाकर आएगा, उसका जाकर ये नहीं, ये मेरे निजी मकान का वो आएगा जाकर। ये ब्लॉक में कोई टाइल लगी हुई है मकान के ऊपर, जैसे टाइल इसमें दिखाई जा रही है, ऐसी कोई टाइल ब्लॉक में लगी है? ना, ऐसी टाइल कोई नहीं लगी हुई वहाँ पर, जो टाइल जो दिखाई जा रही है इसमें वीडियो में कोई टाइल नहीं है। ये मेरे घर की टाइल है, पर्दे भी मेरे घर के हैं, और जो कहना जो है LD है ये मेरे घर पर ही है, LD भी कोई ब्लॉक कार्यालय पर कोई वह नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, एडीओ कृष्णपाल ने हमें अभी बताया कि ये वीडियो किसी सरकारी दफ्तर का नहीं बल्कि उनके घर का है, जहां उनके पोते के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने एडीओ छपरौली को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो को बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एडीओ छपरौली का पक्ष सुनने के बाद हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं बागपत के CDO। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। आपके एडीओ हैं, एडीओ कृष्णपाल छपरौली, उनका एक प्रकरण चल रहा है, और एक टेक्निकली मैं आपसे और ऑफिशियली एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर कोई अपने घर में ड्यूटी ऑफ करके जाता है और अपने घर में अपना फंक्शन अटेंड करता है या करता है, तो उसमें कोई टेक्निकली कोई चीज ऐसी होती है जो उसको बदनाम किया जा रहा है? कुछ भी नहीं हो सकता। अपने घर में कोई क्या कर रहा है, क्या मतलब है किसी से भाई? वही वही चीज ना, तो ये इतना बड़ा ये प्रोपेगेंडा बना लिया है इलाके में। मीडिया को क्या कहा जाए, क्या कहूँ मैं आपसे? मैं आपसे मैं अपने घर में क्या करता हूँ? हाँ बिल्कुल भाई, 1:47 लेके नाच रहा हूँ, अपराध बनता है। तो अपराध है जी। हम अपने घर में शरबत पी के नाच रहे हैं या दारू पी के नाच रहे हैं, कैसे सिद्ध कर सकते हो? बिल्कुल। और दारू पी के भी नाच रहे हैं तो क्या दारू पीना अपराध है? हाँ, कोई अपराध नहीं है सर। या नाचना अपराध है? ना नाचना शराब पीना अपराध है। तो फिर अब भाई मीडिया फ्री है, जो चाहे बना ले, कोई रोक थोड़ी रहा किसी। नहीं नहीं, इतनी भी आज़ादी मीडिया को नहीं है सर। अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर छीन लें, अब एक आदमी अगर नौकरी कहीं कर रहा है और उसकी नौकरी के बाद अपना जीवन जी रहा है, वो तो जीने का अधिकार है भाई। मैं अपने घर में के बंद कमरे में बिस्तर पे क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब है किसी का? बिल्कुल किसी को प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मेरे किसी कृत्य से अगर पड़ोसी को प्रभाव पड़ रहा हो, प्रभाव पड़ रहा हो समाज पर, तो वो तो आपत्तिजनक है। बिल्कुल। बंद कमरे में मैं नाच रहा हूँ, बाजे बजा कर के DJ अपना,
क्या दिक्कत है बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो डीजे की आवाज अगर बाहर नहीं जा रही है बंद कमरे से भी बाहर, जी जी जी, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब मसाला चाहिए तो मसाला चलाता रहे अपना। नहीं, मीडिया को इतना मसाला चलाने का भी राइट नहीं है, मैं उसके पक्ष में नहीं। नहीं राइट है ना, मैं करूँ किसी की निजी जिंदगी में सही निष्ठा का अधिकार भी तो है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरे निष्ठा का अधिकार कोई छीन लेगा मुझसे क्या? कोई नहीं छीन सकता सर। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद आपका इस पूरे मामले की जानकारी हमें देने के लिए। वहीं ये पूरा प्रकरण क्या अपराध की श्रेणी में आता है इसको लेकर हमारे साथ अधिवक्ता नितिन शर्मा जुड़ चुके हैं। नितिन जी, एक मामला मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा कि एक वीडियो है बड़ौत से डिस्ट्रिक्ट बागपत में, वो अपने घर में पार्टी कर रहे हैं और पार्टी में वो ड्रिंक का भी सेवन कर रहे हैं, तो क्या कानूनन ये अपराध है? देखिए, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी जो उसके घर में है जी, और जिससे किसी समाज के किसी भी तबके को या किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार के कानूनी जो उसके अधिकार है उसका हनन ना होता हो, ऐसा कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो ये जो इनका जो जो कार्यशैली हुई है इसके बारे में अगर ये वीडियो वायरल हुआ है बाहर आया, तो क्या इससे किसी का किसी जाति विशेष को कोई नुकसान पहुँचता है? देखिए, किसी भी हालांकि किसी भी व्यक्ति विशेष का वो निजी काम हो सकता है या वो अपने घर में क्या करता है, ये उसकी गोपनीयता से और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित मामला है जिसमें किसी को इंटरफेयर करने का कानूनी अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर ये किसी ने वीडियो वायरल किया है तो इसमें क्या कोई अपराध बनता है? देखिए, अगर ये सार्वजनिक स्थान पर होता जी या ऐसी जगह पर होता है जहाँ से कि जहाँ से किसी और व्यक्ति के किसी कानून का हनन होता है अधिकार का, तो ये अपराध हो सकता था। पर मेरी कानूनी दृष्टि से घर के अंदर अपने कमरे में किसी भी प्रकार का मदिरा सेवन या अन्य कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। धन्यवाद नितिन शर्मा जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी आपने एडीओ की बातों को भी सुना और अधिवक्ता नितिन शर्मा जी की बातों को भी सुना। पूरा प्रकरण निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है और इसी तरह के हर किसी को अपनी निजता का अधिकार है, जो कि एडीओ छबरौली को भी है। और तो और, वह वीडियो वायरल भी किसी सरकारी दफ्तर का नहीं है बल्कि एडीओ कृष्णपाल के अपने निजी घर का है। तो इस जानकारी से हम इस पूरे प्रकरण को देखें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर के साथ।